सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है। कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। आपकी चिट्ठी आई है, पढ़ दूं? चतुरलाल की चिट्ठी है। छोड़ो भैया, क्यों बहाने बना रहे हो? सीधा सीधा बोलो, पढ़ना नहीं आता? ये देखो लापता, पता नहीं कौन ले गया या खुद भाग गया। ए सुनो, तुम तो यही। हाँ हाँ, मेरी तस्वीर है। अच्छा ठीक है वकील साहब, अब तो पढ़ दो। ए, पढ़ने से पहले ना कहीं आइसक्रीम वाले के पास रोक देना। अरे भाई, ये कभी हमारी पान की दुकान से पान तो चुराए नहीं, ये बच्चा काहे चुराएंगे भाई? राहुल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट आदमी जेल में बंद है। ये क्या है? हाँ, इसी पे लिखा है कि मैं लापता हूँ बस। राहुल, पापा ने मुझे सजा दी है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। मेरी बात सुनो, इस उम्र में मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, मुझे नहीं पढ़ना है। वैसे भी मैंने सबको बता रखा है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं तुम्हारा राज अभी खोलता हूँ। मैं पढ़ूंगा बाप, तुझी से पढ़ूंगा, चुप कर, चुप। क्या कहा तेरा आना? वाह वाह, क्या कहा तेरा आना? वाह, क्या कहा तेरा आना? अब तो लगता है पड़ेगा चौरसिया का पान खाना। वाह, ऐसा सड़ियल शेर जाके रोशनी को सुनाना, ओकरा फ्यूज उड़ जाए, फिर पान की जगह पड़ेगा जूता खाना। अरे, किसको सुबह सुबह जूता खिला रहे हैं? अब आशिकी करोगे तो याल होई फिर से आशिकी। अरे सुधर जा रमेश। नहीं भैया, इस बार मामला सीरियस है। ओ, पोस्टर छपने गए हैं, रिलीज होने वाली है बस। इस बार काहे मामला सीरियस है? अरे जब से देखा है उसको, एक बिजली दिल पर गिरी है। और जब से उससे बात करी है तब से तो हम गए भैया काम से। अरे झूठे, क्या बोल रहे हो तुम? तुम तो बोले उससे बात ही नहीं हुई तुम्हारी अब तक। अरे हमसे कहा, वो बस स्टॉप पे शेड वाली से। हमने तो सिर्फ सुना है। अरे तुम, हर हफ्ते का तुम्हारा यही चक्कर है। हवा मिया, क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे हो। मामला इज्जत का लगता है क्या? तुम्हें कैसे मालूम? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं बरखुर्दा। अब कभी हम भी जवान थे। खैर, वो तो अब भी हूँ, मगर हंसी का साज सुनकर बता सकते थे कि किस बारे में हंस रहे हो। हम चौरसिया एक पान खिलाओ। और चतुरलाल, कैसे हो? जेल की हवा अच्छी लगी? जी तौबा करिए। अच्छा, हम तुमसे शाम को मिलते हैं। हम भी ये सोच रहे थे कि अब दुकान पे एक हेल्पर रख लें। चतुर भैया भी बोले कि एडिया बुरा नहीं है। अब तुम्हारी नजर में कोई लंबड़ा होए तो बताना जरूर। ऐसा करो ना, अखबार में इश्तिहार दे दो। अब इतना बड़ा दुकान है, थोड़ा इज्जत होना चाहिए ना। है ए रमेश, तुम मजाक करना बंद कर दे, देख हमसे। हाँ, जब हमारा बड़ा सेंटर होगा ना तो हम तुमको पान नहीं खाने देंगे यहाँ पे। तुम ऐसा करते हैं, तब तक तो एक दो चुरा लेते हैं। बहुत बदतमीज आदमी है। हलदार साहब, ऐसा करो, इसको जेल के अंदर बंद करा दो ससुरे के नाती को। ये रहेगा अंदर, हम रहेंगे बाहर, समझे? गाय सामने होगी और दूध नहीं निकाल पाएगा ससुरा। और मैं उसे ले गया ना तो सारा थाना वहां से भाग जाएगा। ना बाबा ना, इसे तो तुम ही झेलो। तो
भैया ये भैया अबे कहाँ घुसा रहा है, चल आ गया से। भैया चतुर टैक्सी स्टैंड कहाँ मिलेगा? अबे यहाँ कोई चतुर वाला तला नहीं है, सुनाई नहीं देते तेरे को, है लगाओ एक, चल यहाँ से। ए बोटा भाग जाएगा भैंस कहीं का। हाँ भाई क्या चाहिए? कुछ नहीं। भैया चतुर टैक्सी स्टैंड कहाँ मिलेगा? कितने मिलेगा? मुझे नहीं पता, वो टैक्सी स्टैंड का मालिक है, बहुत बड़े आदमी है। और राम सिंह? हाँ तुम्हें पता है कितने अगर टैक्सी स्टैंड? नहीं मुझे नहीं पता है। वो टैक्सी चलाते जी, मुझे उनके पास जाना है। अच्छा तुम्हें खाता पीता भी कुछ नहीं? आपने खाया पिया भी कुछ नहीं? नहीं। आ मेरे सब पास बैठ जा, फिर टैक्सी स्टैंड ढूंढना अपना। अरे इसमें मुश्किल क्या है, एक लाइन खींचो यहाँ पे, तार खींचो तो बस सिरफोन बजेगा ट्रेन ट्रेन। नहीं क्या बात करते हो, ऐसी थोड़ी खींच देंगे। अरे मियाँ आप ही बताइए, एक घंटे से हमें कह जा रहे हैं कि टेलीफोन लगा दो। हाँ तुम टेलीफोन का करोगे क्या, तुम्हारे किसी और दोस्त के पास ये है क्या? हमें हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है एक्सपेंड हो जाए, और फोन के बगैर क्या एक्सपेंड खाक होगा वो। मतलब जरूरत क्या है, तुमको कौन फोन करेगा? अरे फोन सुनकर ही तो हम घर पान भेजेंगे, होम डिलीवरी। और फोन लगेगा थोड़ा स्टाइल बढ़ेगा, लोग फोन देखेंगे बोलेंगे हाँ बहुत बड़ा दुकान है। तुम्हारा सर फिर गया चौरासिया यहाँ बैठ बैठ कर, ये पान की दुकान है कोई फाइव स्टार होटल नहीं है। देख लेना हवलदार साहब, जब हमारा बड़ा सेंटर हो जाएगा इस जैसे लोग यहाँ चक्कर काटते रहेंगे। नॉनसेंस। हमारा यार चौरासिया वो तो वैसे ही गर्म दिमाग है, मैं उसे समझाता हूँ। वो क्या उसका तो बाप भी फोन लगाएगा, तुम फिक्र मत करो, अपना एक्सपेंड का प्लान जारी रखो। जय हुई ना बात, ये लो पान खाओ मुफ्त एकदम। तुम्हें पता है चतुर टैक्सी कहाँ मिलेगी? क्या मिलेगी? चतुर टैक्सी, मैं उनके गांव का हूँ। पहले ये बता इस गठरी में क्या है? बता क्या है? ऐसे पैसे होते तो मैं शहर में आता, आपको पता वो कहाँ मिलेंगे? क्या पैसे? सुन 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 सुन, हम तो मजाक कर रहे थे, और तुझे चतुर टैक्सी चाहिए ना, वो भी यहीं आती होगी, रुक अभी यहीं रुक तू। आप उन्हें जानते हो? अरे बहुत अच्छी तरह से, वो अपने दोस्त हैं। पहले बता इस गठरी में क्या? थोड़े कपड़े हैं और। और क्या? और कुछ नहीं है। सच सच बता दे या तुम्हें उसे क्या लेना है? पता है क्योंकि हम तेरी गठरी लेके भाग सके। ए भाई गठरी दे, ए भाई गठरी दे। सच सच बता इस गठरी में क्या है? ए भाई गठरी दे। सोना? ये ले। चांदी या फिर पैसे? कुछ भी नहीं, हमें गठरी दे वरना मैं चिल्लाऊंगा। चिल्लाएगा? हां चिल्ला। आ साले पकड़ पकड़, हां पकड़ साले को टांग जा। अब देखो आधा घंटा ऊपर हो गया, मैं तुम्हारी वेट नहीं कर सकता, मुझे और भी कई काम है। हाँ तो ठीक है मत करो वेट, हमें भी पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। अरे सारा दिन धंधा करेंगे कि पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे? पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं खेलने नहीं जा सकता। अगर मैं खेलने नहीं गया तो तुम्हारा राज सबको बता दूंगा, इसलिए मिस्टर होशियारी मत दिखाओ। हाँ क्या बोले? नहीं कुछ नहीं, मैं बोला मास्टर जी पढ़ाइए पढ़ाइए। हाँ अंदर चलो। चलो भाई चलो पढ़ाओ। कहाँ से कौवा? कौवा
क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? घर कहाँ है? मैं गांव से आया हूँ, वो सब वहीं पे है। मैं पिछले दो दिन से चतुरलाल टैक्सी स्टैंड को ढूंढ रहा हूँ, वो मिलते ही नहीं। अरे डूब मरो, वो देखो छोटा सा बच्चा अपनी मैडम के साथ क्या पटर पटर बातें कर रहा है, तुमसे इतना भी नहीं होता? नालायक। तो हम क्या करें? हम भी उस बच्चे की तरह सड़क पर जाकर बैठ जाए कि कब वो आएगी और हमसे बात करेगी? अरे नहीं करेगी बात तुमसे, वो तुम्हारे पास वो स्टाइल ही नहीं है। अगर हम जाएं तो हाँ, तो भाभी तुम्हें तुम्हारी दुकान से उल्टा लटका दे। अरे छोड़ो, मैडम से डरते हैं क्या हम? हम तुमको एक बात बताए पतेगी, जाके उस बच्चे को पटाओ। बच्चे को पटाओगे तो काम बनेगा, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़े करने में फायदा रहता है। मतलब ये कि जाओ उसको दिखाओ तुम कितने दयालु हो, कितना स्टाइल है तुम में, एकदम से छटास, फिर देखना ही अदा कैसे काम आती है। तुम भी साथ चलो ना। लो, अगर उसका दिल हम पे आ गया तो फिर तुम क्या करोगे? क्या चाचा, अपनी उम्र तो देखो, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और साथ चलो, हमें सहारा दो तुम। चला। अच्छा तो तुम शहर काम ढूंढोगे? तुम थोड़े छोटे नहीं हो काम के लिए? क्योंकि मैं छोटा क्यों? मैं गांव में बहुत काम करता था, मेरी माँ बोलती थी तू बहुत ही बड़ा हो चुका है। हाँ हाँ, कितना बड़ा हो गया है देखो ना भैया। हैं? बहुत बड़ा। वैसे मैं रमेश और ये चौरसिया। हेलो। आप दोनों कितने अच्छे हैं, बिना जान पहचान के ही मदद करने आ गए हैं। हमको तो ये वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल भगवान का रूप होते हैं, साक्षात देवता। ए, तुम इन दोनों को जानते हो? नहीं, मुझे ये दोनों पागल लगते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। रमेश चाचा को तो तुम्हारे की इतनी फिकर है, बहुत ज्यादा फिकर है, बहुत दयालु आदमी है मैडम, बहुत दयालु आदमी। चलो अब ना चल के तुम्हारी माँ को खबर करते हैं, बहुत घबरा गई होगी। वैसे तुम कब से घूमे हो? मैं घुमा थोड़ी ना हूँ। हाँ? मैं तो घर से भाग के आया हूँ। भाग के? हाँ, मैं यहाँ काम ढूंढ रहा हूँ, हमारे गांव के एक बहुत ही बड़े आदमी रहते हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, वो मिलते ही नहीं। क्या नाम है उनका? चतुरलाल, टैक्सी स्टैंड वाले। आप लोग जानते हैं क्या, कहीं नाम सुना हो? ये तो कमाल की बात है मैडम, हमारे मोहल्ले में भी रहते हैं एक चतुरलाल, लेकिन उनका टैक्सी का काम नहीं है भैया। तो स्कूटर चलाते हैं, वो भी किराए का। हाँ। कहीं इनके चतुरलाल और हमारे चतुरलाल एक ही आदमी तो नहीं है? ये क्या है? खा। का? का माने कौवा? चार बारी तो बता चुका हूँ मैं। अब हमें याद नहीं होता तो हम क्या करें? पिछले दो ही घंटे से तुम एक ही बात कह रहे हो, का माने कौवा, का माने कौवा। हमें मालूम है कौवा क्या होता है भाई। ये क्या है? का माने कौवा? ये? अरे का माने कौवा? वो था इसका था। इस तरह से तो मैं कभी टीवी नहीं देख सकता, ना खेलने जा सकता। अच्छी बात है, ना तुम टीवी देखो ना तुम खेलने जाओ। अरे तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता है, और हमें मालूम है तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम वकील साहब हो। अरे तुम झूठे हो, ठेंगा हो तुम। ज्यादा झूठे झूठे मत बोलो, तुम भी तो अपने दोस्तों से झूठ बोलते आए हो। चतुरलाल की चतुराई देखो, का बाहर फेंको, सबको मैंने झूठ बोला, अनपढ़ हुई है, राज ना खोला। ठेंगा। ए, ए? हमें नहीं पढ़ना का माने कौवा। हाँ? मुझे भी नहीं पढ़ाना आमाने अनपढ़। बेटा देखो, ना हम पढ़ना चाहते हैं, ना तुम पढ़ाना चाहते हो, तो क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? हम अपना रास्ता नापते हैं, तुम अपना नापो। नहीं, प्रॉब्लम है मेरे पापा, उनके जाने बगैर हम अपना रास्ता नहीं नाप सकते। जरा मुझे अपनी अकल लड़ाने दो। और मुझे अपनी। कैसे हो चतुरलाल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है, का माने कहूंगा। हाँ, वेरी गुड, तुम जाओ। हाँ, तुम बहुत अच्छे पढ़ते हो। हाँ, जा, हाँ, जा। अच्छा सर। राहुल कैसा है चतुरलाल और इसका पढ़ना? पापा मुझे ये इंसान चोर टाइप लगा। नहीं, मुझे तो बहुत शरीफ लगता है। नहीं नहीं, है तो शरीफ मगर लगता है चोर टाइप। मैं सोच रहा था कि इसे घर से बाहर ले आना चाहिए, इससे इसके यार घर के सामान पर भी नहीं रहेगी और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देगा। राहुल मैं कौन हूँ? पापा। पापा यानी तुम्हारा बाप। मुझसे तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे, मैं खुद चतुरलाल से अगले हफ्ते पूछूंगा कि उसने क्या पढ़ा, इसके बाद ही तुम बाहर जा सकते हो। फंस गए बेटा राहुल, चतुरलाल तो कभी नहीं सीखेगा, कुछ और लगा दिमाग सोच। गांव तो चतुरलाल का ही लगता है, लेकिन ये टैक्सी स्टैंड वाली बात समझ में नहीं आती। वो कब आएंगे? मुझे घर जाना है। अरे हम छोड़ देंगे ना। नो प्रॉब्लम। जी नहीं, थैंक यू, वैसे भी मैं इसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हम सब है ना, आप जाइए, मैं यही हूँ। अच्छा,
प्रकाश मैं जाऊं? जी तुम ठीक तो हो ना? हाँ। रमेश मैडम को घर तक छोड़ के आना। बेटा भूख तो नहीं लगी? कुछ ला दूं खाने पीने के लिए? नहीं। पर बेटा तुम घर से भाग कर क्यों आए? घर वाले परेशान नहीं होंगे क्या? और क्या करता, गांव में बाढ़ आ गई थी, घर में बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने सोचा शहर में जाऊंगा, चतुर चाचा के पास काम करूंगा और कुछ पैसे घर भेजूंगा। चतुर चाचा को देखे हो? और नहीं तो क्या, उसके बेटे से मेरी अच्छी खासी दोस्ती है। मेरे चतुर चाचा गांव के जाने माने हैं। वाह वाह, अपने चतुर भैया का इतना नाम है, वाह वाह। पर ये टैक्सी का क्या चक्कर है? वो तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और वो भी किराए का। नहीं, मेरे चतुर चाचा टैक्सी स्टैंड के मालिक है। हो सकता है आपके चतुर चाचा और मेरे चतुर चाचा अलग हो। मैं तो जाऊंगा ढूंढने। अरे क्या खबर है चौरसिया बाबू? चाचा। अरे प्रकाश। हाँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे बापू भी आए का? नहीं मैं अकेला हूँ। ये भाग के आए हैं। क्या कह रहे हो? क्यों भाग के आए हो? गांव में बाढ़ आ गई थी। बाढ़? प्रकाश गांव में राजेश, तेरी रेखा दीदी, तेरी चाची पक्का सब ठीक तो है? हाँ चाचा, आने से पहले मैंने राजेश से मिल लिया था, सब ठीक है। हाँ। लेकिन तू यहाँ कहाँ रहेगा? ये तो शहर है, कहाँ रखे तुझे? अपने पास रख लो ना चाचा, मुझे कहीं काम दिला देना। बापू और माँ को पैसे भेजूंगा, बापू ने कहा काम ढूंढने की कोशिश की। ए, नहीं 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 नहीं, नहीं। गांव में सब तेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मैं कल सुबह ही तुझे गांव भेज दूंगा। हाँ। देख प्रकाश, तू मेरे बेटे की उम्र का है और ये उम्र तेरी काम करने की नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख ले, बड़ा इंसान बन जा, फिर अपने माँ बाप का ख्याल रखियो। नहीं चाचा, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, कमाऊंगा तो बापू के पास थोड़े और पैसे रहेंगे, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। अरे वाह, इतना छोटा होकर इतनी बड़ी बातें करता है रे तू। और वैसे भी तुझे गांव भेज दूंगा, मेरा राज ही खोल देगा तू तो। हाँ चाचा, मैं वादा करता हूँ, आपने मुझे वापस नहीं भेजा तो मैं आपका राज राजी रखूंगा। मैं गांव में किसी को नहीं कहूंगा कि शहर में कोई भी टैक्सी स्टैंड नहीं है, स्कूटर चालक है। अगर आपने मुझे वापस भेजा तो फिर नहीं भेजूंगा। मेरे भाप, यही रहे मेरी छाती पे मूंग दल। हमने कह दिया आपकी दुकान पर प्रकाश के सिवा और कोई काम नहीं करेगा। और हमने कह दिया कि वो बहुत छोटा है, अभी हमारे बिजनेस के एक्सपेंड के प्लान में फिट नहीं बैठता। हमें कुछ नहीं पता, अगर वो आपकी दुकान पे काम नहीं करेगा तो फिर इस घर में हम भी काम नहीं करेंगे, फिर दिन रात पान खाइएगा अपनी दुकान पर। ये तो सरासर ब्लैकमेल है। हम मेल फेल कुछ नहीं जानते। वो बेचारा छोटा सा जान कितनी दूर भाग के आया है, वो भी चतुर भैया के गांव का, हम उसे ऐसे ही थोड़ी भेज देंगे किसी के यहाँ काम करने को। जमाना इतना खराब है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप उसे कल से अपनी दुकान पर रखिए, वरना वरना धमकी, हमको धमकी, हम कह देते तुमसे ऐसा कभी नहीं होगा, और कोई आदमी हमारी दुकान पर नहीं काम करेगा, प्रकाश ही वहां काम करेगा। बढ़िया सा गाना। मुझे दुनिया वालो। अरे फिल्मी गाने का भी तूने भजन बना दिया। राम साहब। ए चतुर भैया। हाँ जी। ए टैक्सी वैक्सी का क्या चक्कर है भाई, हम ही से गोली? नहीं वो हमें क्या मालूम था, हम तो गांव में सोचते थे कि टैक्सी और स्कूटर एक ही होता है, इसीलिए गड़बड़ हो गया। इसीलिए ऐसा होता रहता है। लेकिन एक बात बताओ चतुर भाई, ये बबुआ गांव वापस जाएगा? हम चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई जारी रखे। मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। तो ऐसा करो, इसको यहाँ लगवा दो, हमारे यहाँ। यहाँ लगवा दे, काम भी करता रहेगा और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रहेगी। क्यों क्यों बबुआ, पान वाला बनेगा? खाई के पान बना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा एक शर्त है, तुझे अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। चौरसे चाचा से कह के हम रोज की तुझे छुट्टी दिलवा देंगे, ठीक है ना? पढ़ाई भी करता रही और काम भी करता रही, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ। चल फिर आज तो तू घूम ले, कल से काम भी करियो और पढ़ाई भी, ठीक है? हाँ। आ जा बेटा। फिर से लेट, ये कौन है? कौन कौन है ये जिसे तुम अपने साथ लाए हो? मैं तुमसे पहले तंग आ चुका हूँ, अब कहोगे इससे भी पढ़ा दो। मैं पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ। अरे तुम चाचा को पढ़ाने वाली बात करो ना, चाचा पहले से पढ़े लिखे है। चाचा से बता दो गांव में आपके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। वो इसलिए तुम्हारे चाचा कहते फिरते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और आता ही इन्हें पढ़ने का पा। क्या ये सच है?
ना बेटा। चलो चलो टाइम नहीं है, पापा अगले हफ्ते तुम्हारा टेस्ट लेने वाले हैं, अगर तुम पास नहीं हुए ना तो मेरी खैर नहीं। फिर तो बेटा तुम अपने लिए कोई और इंतजाम कर लो, क्योंकि तुम्हारे पापा के टेस्ट में मैं तो पास होने से रहा। नहीं नहीं ऐसे मत कहो, तुम्हें पास करवाने के लिए मुझे कोई ना कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। हाँ तुम तरकीब लगाओ, फिलहाल मैं तो अपने प्रकाश का स्कूल में दाखिले की तरकीब लगाता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मैं इतना छोटा हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। मेरे छोटे स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, पहले स्कूल फिर काम, समझे? नहीं ट्राई कर लो, वैसे स्कूल में ऐसे कोई खास बात नहीं। अब मुझे देख लो, मैं इतना स्मार्ट और समझदार स्कूल जाके थोड़ा ना बनाऊं। नहीं मेरे में कुछ था यू नो टैलेंट। अरे शक्ल देखिए टैलेंट की। हमने सब पता कर लिया है बेटा, तुझे कल ले चलेंगे, दोपहर का स्कूल है सिर्फ 3 घंटे का। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। अरे पर क्यों नहीं, अब तो तू काम भी करने लगा, साथ साथ पढ़ता भी रहे। हाँ, ना? नहीं। अरे जिद मत करो, सब बड़े कह रहे हैं तो मान जाओ, स्कूल जाके पढ़ लिख कर बड़े होगे तो अपने माँ बाप की मदद करोगे। हाँ बेटा मान जाओ, हम सब तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। मैं दोनों में से करूंगा, या तो काम करूंगा या तो स्कूल जाऊंगा। मुझे पता है स्कूल जाना कितना मुश्किल है, गांव में भी गया था, मैं नहीं कर सकता। ठीक है तो फिर तुझे गांव ही वापस भेज देते हैं, ठीक है? अरे उजड़ लड़का प्रकाश, रमेश प्रकाश कहाँ है? प्रकाश, ए प्रकाश, क्या हुआ? प्रकाश है आपके घर में? नहीं तू कहाँ चला गया है सुबह सुबह? देखो 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 कहाँ जाए हैं। साहब। हाँ क्या हुआ? साहब प्रकाश कहीं गायब हो गया। क्या कब हुआ ये? रिपोर्ट लिखवाई? वो शहर जानता है? नहीं साहब, हम लोग तो सुबह से परेशान हैं, अब उसके माँ बाप को गांव में क्या जवाब देंगे? मिल जाएगा मिल जाएगा, फिक्र मत करो, परेशान मत हो, चलो आओ। साहब तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ पे सब लोग तुम्हें खोज रहे हैं। मुझे नहीं जाना। क्यों? वो लोग बोलते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं गांव भेज देंगे, मैं गांव नहीं जाना चाहता। तो स्कूल चले जाओ। नहीं स्कूल में बहुत काम करना पड़ता है, ये दोनों मुझसे नहीं होता, और वैसे ही मुझे पढ़ाया कोई शौक नहीं है, गांव में भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तुम गांव नहीं जाओगे स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? मैं यहाँ काम ढूंढूंगा। सुनो ये दिल्ली है, बच्चों के लिए सबसे अच्छा शहर नहीं है ये? अगर तुम्हें काम मिल भी गया तो रहोगे कहाँ? मेरी बात मानो, थोड़ी अकल लड़ाओ और मेरी बात गौर से सुनो। क्या? अगर वो लोग तुम्हें काम दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, तो तुम्हारा स्कूल जाना एक छोटी सी बात है, मान जाओ। और जो स्कूल में तुम्हारी परेशानी होंगी ना, उसे मैं सुलझा दूंगा। वैसे तो उनसे अकलमंद तो मैं हूँ ही। क्यों, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, तो चलें। ये लो आपका पार्सल। चाचा मैं स्कूल जाऊंगा।
अपने सपनों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इस राह पर बहुत अड़चनें होती हैं और खासकर जब बात आती है प्रौढ़ शिक्षा पर, क्योंकि यहाँ पर दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। पर मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन कभी कभी ये मेहनत के फल दिखते नहीं है, क्योंकि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है किसको क्या पता। साक्षरता के साथ एक बात तो पक्की हो जाती है, जिंदगी की लड़ाई में आपने एक और शक्ति का वरदान पा लिया है। कोई भी काम करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसका असर सिर्फ आप पर ही नहीं है, उन सब पर पड़ेगा जिनकी जिंदगियां आप सबसे जुड़ी हैं, और ये असर साक्षरता का भी हो सकता है। सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। हम सब पढ़ेंगे, हम सब